हेलो दोस्तों, टेक्निकल आमिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रोल्स रॉयस फैंटम लिमोजिन का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद यहाँ x64e.rpf दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद लेवल्स में जाइए, उसके बाद GTA 5, उसके बाद व्हीकल्स RPF दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च कीजिए। यहाँ आपको सर्च करना होगा STRETCH। यहाँ टाइप करने के बाद इन फाइल्स को बैकअप रख लीजिए। बैकअप रख लेने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आने के बाद यहाँ स्ट्रेच के 3 फाइल्स दिख रहा है ना, उनको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद फिर बैक आ जाइए। ओपन एवी होम पर आने के बाद मॉड्स में जाइए, उसके बाद अपडेट RPF कॉमन डाटा, उसके बाद यहाँ टाइप कीजिए हैंडलिंग। हैंडलिंग टाइप करने के बाद इस हैंडलिंग मेथड को बैकअप रख लीजिए। बैकअप रख लेने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ हैंडलिंग मेटा दिख रहा है ना, इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। बस दोस्तों, इतना ही आपको करने का। चलो GTA 5 ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTA 5 ओपन करने के बाद आप कौन सा भी ट्रेनर यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपको मैनुअली टाइप करना होगा। आपका टाइप करना होगा STRETCH, एंटर कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो लिमोजिन आ चुकी है। मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।